मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पहेली सुलझने जा रही है। जी हां, कौन बनेगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इस पर से पर्दा उठने वाला है। एमपी न्यूज के सूत्रों की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, जबकि महज कुछ ही घंटों में उनके नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलेगी प्रदेश अध्यक्ष की कमान, राहुल प्रियंका का मिला समर्थन, जल्द होगा ऐलान। महाराज की होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। सोनिया गांधी ने मंजूर किया सीएम कमलनाथ का इस्तीफा। एमपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे मिलेगी, इसका फैसला जल्द होने वाला है। दरअसल आगामी 12 को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि समर्थकों की लगातार बढ़ती नाराजगी और कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला ले लिया है। जल्द ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस हाईकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। 10 सितंबर यानी मंगलवार को सिंधिया दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि उस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा सौंपा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के बयान के अनुसार 10 से 13 तारीख के बीच नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं खबर आ रही है कि सीएम कमलनाथ ने रविवार देर रात एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे मंजूर भी कर लिया है। बहरहाल सिंधिया की ताजपोशी को लेकर सिंधिया समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।